सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे जंक्शन की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खड़गपुर रेलवे जंक्शन पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में और पश्चिम मेदिनीपुर जिला के खड़गपुर शहर में स्थित पश्चिम बंगाल के और भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह जंक्शन पश्चिम बंगाल का और पश्चिम मेदिनीपुर जिला का एक बहुत ही खास रेलवे जंक्शन है, जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत के ज्यादातर शहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है KGP। खड़गपुर रेलवे स्टेशन A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली लगभग सभी रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है, जिस वजह से यात्री खड़गपुर जंक्शन के माध्यम से भारत के अलग अलग शहरों तक बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। खड़गपुर रेलवे जंक्शन पश्चिम बंगाल का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 120 वर्षों के अधिक समय से पश्चिम मेदिनीपुर जिला वासियों के लिए और आसपास के यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है। यह जंक्शन खड़गपुर डिवीजन का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है। खड़गपुर जंक्शन खड़गपुर रेलवे डिवीजन का एकमात्र A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, जो हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर, हावड़ा चेन्नई मेल लाइन पर और आसनसोल टाटा नगर खड़गपुर लाइन पर स्थित होने की वजह से यह स्टेशन काफी व्यस्त है। खड़गपुर रेलवे जंक्शन का गठन उस समय किया गया था जिस समय हावड़ा को मुंबई से जोड़ा जा रहा था। ठीक इसके कुछ ही वर्षों के बाद खड़गपुर रेलवे स्टेशन का भी गठन किया गया था। वैसे खड़गपुर रेलवे स्टेशन का गठन साल 1898 से साल 1899 के दौरान आज से तकरीबन 121 वर्ष पहले यात्रियों के लिए शुरू किया गया था। साल 1900 के दौरान कोलाघाट में रूप नारायण नदी पर रेलवे पुल के द्वारा पहली बार खड़गपुर को हावड़ा से जोड़ा गया था। जानकारी के लिए बता दें, हावड़ा से नागपुर और नागपुर से मुंबई रेल लाइन को साल 1890 के दौरान खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 1968 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे कोलकाता मुंबई लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह रेल लाइन पश्चिम बंगाल के हावड़ा और महाराष्ट्र के मुंबई को टाटा नगर और नागपुर के माध्यम से आपस में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। इसी रेलवे लाइन के बीच में खड़गपुर रेलवे जंक्शन स्थित है। हावड़ा से चेन्नई रेल लाइन को साल 1901 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 1661 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे कोलकाता चेन्नई मेल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह रेल लाइन पश्चिम बंगाल के हावड़ा और तमिलनाडु के चेन्नई को विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के माध्यम से आपस में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। इसी रेलवे लाइन के बीच में खड़गपुर रेलवे जंक्शन स्थित है और आसनसोल से आद्रा, आद्रा से टाटा नगर और टाटा नगर से खड़गपुर रेल लाइन को साल 1891 के दौरान खोला गया था। खड़गपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन होने के साथ साथ यह एक रेलवे डिवीजन भी है, जिसका हेडक्वार्टर भी खड़गपुर में स्थित है। 1 अप्रैल साल 1952 में खड़गपुर रेलवे जंक्शन को खड़गपुर रेलवे डिवीजन बनाया गया था, यानी कि खड़गपुर रेलवे डिवीजन का गठन 1 अप्रैल साल 1952 में किया गया था। खड़गपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत कुल मिलाकर 140 रेलवे स्टेशन आते हैं। इस 140 रेलवे स्टेशन में होल्ट भी शामिल है। खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे जंक्शन की लिस्ट में आता है और भारत का तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर जंक्शन भी स्थित है, जिसकी लंबाई 1072 मीटर तकरीबन 3519 फुट के करीब है। खड़गपुर जंक्शन भी एशिया की सबसे बड़ी रेलवे सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थित है और साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का हावड़ा जंक्शन के बाद खड़गपुर दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कहलाता है, जिस वजह से खड़गपुर जंक्शन को साउथ ईस्टर्न रेलवे का गेटवे कहा जाता है और यह जंक्शन भारत के 50 सबसे बड़े रेलवे आरक्षणों में से एक है। आपको बता दे, खड़गपुर रेलवे जंक्शन से चार मुख्य रेलवे लाइनें निकलती है। पहला हावड़ा जंक्शन, दूसरा टाटा नगर जंक्शन, तीसरा बालासोर रेलवे स्टेशन और चौथा आद्रा जंक्शन को सीधे आपस में जोड़ती है। इलेक्ट्रीफाई की बात करें तो हावड़ा से खड़गपुर लाइन को साल 1967 से साल 1969 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था। खड़गपुर से टाटा रेल लाइन को साल 1961 से साल 1963 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था।
हावड़ा से चेन्नई रेल लाइन को साल 2005 में इलेक्ट्रीफाई किया गया था और हावड़ा से मुंबई रेल लाइन को साल 1961 में इलेक्ट्रीफाई किया गया था। खड़गपुर रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे के साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के खड़गपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। 1 अप्रैल साल 1952 में खड़गपुर रेलवे जंक्शन को खड़गपुर रेलवे डिवीजन का हिस्सा बनाया गया था। खड़गपुर रेलवे जंक्शन की ऊंचाई समुद्र तल से 29 मीटर तकरीबन 95 फुट के करीब है। खड़गपुर रेलवे जंक्शन में टोटल 12 प्लेटफॉर्म और 24 पटरियां शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 2 लाख से ज्यादा यात्री सफर करती है और लगभग 265 रेलगाड़ियों से ज्यादा इस स्टेशन के माध्यम से शुरू होती है, समाप्त होती है और गुजरती है। आपको बता दें, खड़गपुर रेलवे जंक्शन के माध्यम से कुल मिलाकर रोजाना 215 रेलगाड़ियां इस स्टेशन पर रुकती है और कुल मिलाकर 25 रेलगाड़ियां रोजाना इस स्टेशन के माध्यम से बनती है और कुल मिलाकर 25 रेलगाड़ियां समाप्त होती है। खड़गपुर रेलवे जंक्शन हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर, हावड़ा चेन्नई मेल लाइन पर, हावड़ा खड़गपुर लाइन पर, आसनसोल टाटा नगर खड़गपुर लाइन पर और खड़गपुर पूरी लाइन पर स्थित है।